नमस्कार, क्या आपको पता है कि हमें सफलता पाने पर मजा क्यों आता है? क्या आपको पता है कि किसने कहा कि छोटा लक्ष्य रखना एक अपराध है, बड़ा लक्ष्य रखो? हमारी सफलता का मूल मंत्र क्या है? हमारे देश के महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि छोटा लक्ष्य रखना एक अपराध है, क्योंकि आपको सही मार्गदर्शन मिले तो आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। सफलता के तीन मूल मूल मंत्र: सीखने की आदत, चुनौती का सामना करना और खुद का मूल्यांकन। जीवन में चमत्कार ही नहीं, मेहनत भी काम आता है। आगे बढ़ने के लिए खुद में विश्वास जरूरी है। सफलता के तीन आसान मूल मंत्र हैं: लगातार सीखते रहने की आदत डालिए, चुनौतियों का सामना करते रहिए और खुद का मूल्यांकन करना कभी मत भूलिए। जब आप स्वयं का काम करने लग जाते हैं, मेहनत करने लग जाते हैं, अपनी चिंता स्वयं करने लगते हैं, तो आप सफलता के पहले कदम की ओर आकर्षित हो रहे होते हैं। सफलता का पहला चरण है इसकी योजना स्वयं बनाएं, उस कार्य को करने के बेहतर तरीके क्या हैं पता करें, उनके काम में आने वाली छोटी मोटी बाधा दूर करें, सफल और करीबी लोगों को अपनी योजना बताएं, उनका सलाह लें, सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करें। हमें सफलता में मजा इसलिए आता है क्योंकि सफलता हमें एक्सपीरियंस का एक हाई स्टेटस, बहुत हाई स्टेटस प्रदान करता है, जो हमारे जीवन को सुखद बनाता है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। सबसे पहला है सेल्फ रिस्पेक्ट। सफलता हमें आत्मसम्मान का एक्सपीरियंस कराती है, क्योंकि हम इनकरेज होते हैं कि हमें कामयाबी हासिल की है, हमने बहुत कुछ हासिल किया है, या हमें खुद के प्रति विश्वास और सम्मान की भावना प्रदान करता है। साथियों, दूसरा पॉइंट है फीलिंग ऑफ प्रोग्रेस। सफलता हमें प्रोग्रेस से एक साक्षात्कार, फेस टू फेस कराती है। हम गलतियों से सीखते हैं, मुश्किलों से निपटते हैं और उन्नति करते हैं। इससे हमारी क्षमता बढ़ती है और हम आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है। साथियों, तीसरा कारण है इंस्पिरेशन। सफलता हमें एक इंस्पिरेशन का अनुभव दिलाती है और हमें मौजूदा स्थिति से ऊपर जाने की प्रेरणा देती है। हमें सेटिस्फेक्शन और सेफ्टी की भावना होती है और ये होता है कि हमने जो कुछ किया वो सही किया और हम सम्मान के पात्र हैं, हमारा रिस्पेक्ट होना चाहिए। और चौथा कारण है हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। सफलता हमें सुख और खुशी की अनुभूति कराती है, हमें आनंद और संतोष मिलता है क्योंकि हमने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है और अपने प्रत्येक प्रयास में हम सफल हुए हैं। सफलता और असफलता हमारे जीवन के महत्वपूर्ण दो पहलू हैं। ये दोनों हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों और हमारे कार्यों का परिणाम के रूप में हमें प्रभावित करते हैं। चलिए सफलता और असफलता के बीच के अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। वास्तव में सफलता और असफलता में बहुत सारे अंतर हो सकते हैं, जैसे कि दृष्टि से, आवश्यकताओं के प्रति, प्रतिष्ठा से और योजना और कार्यवाही के माध्यम से। यानी हमने देखा कि तीन बिंदु हैं जिनकी वजह से सफलता हमें प्रभावित करता है। सक्सेस स्वाभाविक रूप से हमें खुशी और सेटिस्फेक्शन देती है, यह एक अनुभव होता है जो हमें लक्ष्य की प्राप्ति और उसे पूरा करने के लिए किए गए कार्यों की प्रगति का एहसास कराता है। सफलता हमें आत्मविश्वास देती है और हमारे अनुभव को संवेदनशील बनाती है। यह हमें
और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और हमारे आत्मसंयम और मेहनत को सम्मान देता है। सफलता हमारे जीवन को एक सराहनीय और स्थायी उपलब्धि का एहसास कराती है। वहीं असफलता स्वाभाविक रूप से हमें निराश करती है। असफलता की अच्छाई यह है कि वह हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करती है और हमारे सामर्थ्य का मूल्यांकन करने का मौका देती है। असफलता हमें सहनशीलता का अनुभव दिलाती है और हमें मजबूती के लिए प्रोत्साहित करती है कि हम मजबूत बने। इसे संकल्पबद्धता बनाने का समय मिलता है क्योंकि हमें संपूर्ण क्रियाओं और सोच को दोबारा देखने और मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। सफलता और असफलता का अंतर उत्कृष्टता और मुक्तिकरण की ओर जाने की क्षमता में हो सकता है। सक्सेसफुल होने के लिए हमें अपने एम की क्लैरिटी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है और उसे पूरी करने के लिए आवश्यक कार्यों की योजना बनानी चाहिए। सफलता एक आदर्श स्थिति के रूप में हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करती है। अगर हम व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो सफलता और असफलता के बीच का अंतर मानवीय अभिप्रेरणा और उत्कृष्ट संगठन के अंतर के रूप में जाना जा सकता है। सफलता की एकमात्र अच्छाई यह है कि वह हमें अधिक और अधिक मेहनत करने के लिए इंस्पायर करती है, जबकि दूसरी ओर असफलता हमारी गलतियों से सबक सिखाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए सुनियोजित ढंग से काम करने की प्रेरणा देती है। साथियों, सफलता और असफलता का अंतर उद्दीपन और समृद्धि के अंतर के रूप में पूरी तरह से समझा जा सकता है। सफलता किसी व्यक्ति या संगठन की प्रोग्रेस होती है और सफलता का सिंबल होता है कि यह हमारे जीवन की डीप सेटिस्फेक्शन का कारण बनती है। हम बहुत ज्यादा संतुष्ट होते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए थिंक वंस अगेन जैसा मौका देती है। दूसरी ओर असफलता हमारी ऊर्जा और स्वयं के समर्पण को बचाती है, जिसे हम ऐसे कार्य पर श्रेय देते हैं जो हमारे पहले मन का नहीं था और हमें अनुभव से सीखने का मौका देती है। साथियों, सफलता और असफलता के बीच का अंतर यथार्थवादी और नकारात्मकता के अंतर के रूप में भी जाना जा सकता है। सफलता हमें अपने आप को, स्वयं को विश्वास योग्य मन को बदलने में मदद करती है, जबकि असफलता हमारी नकारात्मक सोच और धैर्य को बढ़ावा देती है। जब हम सफल होते हैं तो हमें आत्मसंवेदनशीलता और आनंद मिलता है, जबकि असफलता हमें संवेदनशील सोचने और स्वयं समर्पण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। साथियों, हम ये प्रयास कर रहे हैं जानने का कि सफलता और असफलता में अंतर क्या है। सफलता और असफलता में अंतर अनेक रूपों में हो सकता है। सफलता हमें प्रेरणा देती है और सफलता हमें ट्राई वंस अगेन सिखाती है। अंत में सफलता और असफलता दोनों हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें हमारे मार्गदर्शक बनाने का कार्य करते हैं। इसलिए सफलता में मजा हमें इन सार्वभौमिक और आंतरिक अनुभवों की वजह से आता है। यह हमारे जीवन को गौरवान्वित करता है और हमें और बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथियों, अगर हम सफलता और असफलता की तुलना करें तो हमें पता चलता है कि कुछ लोग एक छोटी सी नौकरी पाने और कुछ धन कमाने या एक मैच जीतने को सफलता मान लेते हैं। सफलता और असफलता दोनों ऐसे शब्द हैं जो हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रभाव डालते हैं। ये एक अविच्छित जोड़ है जो मनुष्य के संघर्षों और महत्वपूर्ण कार्यों का परिणाम देते हैं। हर कोशिश में जीवन में इन दोनों का आना आवश्यक है और इसलिए इनका अध्ययन भी हम कह सकते हैं
की बहुत महत्वपूर्ण है। सफलता का अर्थ होता है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति और उन लक्ष्यों की पटरी पर पहुंचना जो हमें खुद के लिए स्थापित किए होते हैं, ये हमें खुशी, संतुष्टि और उत्साह देते हैं। सफल होने का एहसास हमारे अंतर्मन को प्रमाणित करता है और हमें और अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सफल होने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूत करता है। ये अनुभव हमारे जीवन को खुशहाल और स्थिर बनाते हैं। वहीं असफलता अपने आप को हारने का, निराशा के का अनुभव कराता है और अच्छे परिणामों की प्राप्ति न कर पाना असफलता है। हमेशा देखा जाता है कि असफलता हमें और मजबूत बनाता है क्योंकि यह हमें अपनी गलतियों और कमियों के प्रति जागरूक बनाता है। इसलिए इसके द्वारा हम और अच्छे रूप में काम करने का मौका पाते हैं और अपनी प्रवृत्तियों पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। सफलता और असफलता के संबंध पर सोचते समय फिर हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि ये दो शब्द हमारे जीवन के किसी एक विशिष्ट पहलू की ओर संकेत करते हैं। क्या वे एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं? जब हम एक कार्य में सफल होते हैं तो असफलता एक विकल्प की तरह नहीं दिखती है। सफलता हमारी मानसिकता को स्थायीता और प्रगति की दिशा में मजबूत करती है। साथियों, रामधारी सिंह दिनकर जो भारत के महान कवि रहे, उन्होंने रश्मि रथी लिखा है, कुछ लाइनें हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आपरता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल निशाने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। साथियों, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। वाह, क्या लाइन है। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झझोड़ते हैं पल पल,
सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। साथियों, वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अंकंड पौरुष के है साधन प्रजन। वर्षा अंधड़ आतप अखंड पौरुष के है साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शालन मिलते हैं। कंकरियां जिनकी तेज सुघर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। साथियों, रामधारी सिंह दिनकर प्रेरित करते हुए कुछ और लाइनें लिखते हैं कि बढ़कर विपत्ति पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, बढ़कर विपत्ति पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। साथियों, सफलता और असफलता पर हमारा ये प्रयास रहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रेरित करने के लिए और सफलता और असफलता दोनों को अपनाने के लिए प्रेरणा मिला होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो। नमस्कार एंड धन्यवाद।